Guri, guri. Ah, é desse jeito, é desse jeito. Só leva chifre quem não faz amor direito. É desse jeito, é desse jeito. Só leva chifre quem não faz amor direito. Hey, yo, good morning, guys. Kaisa aap sab? Mujhe lagta hai aap sab badhiya honge. स्वागत है आप सभी का एक नए कमाल फ्रेश कमाल एपिसोड में. और ये चल रही है हमारी कटिंग, यानी कि लीन लीनिंग, पूरी फुल कटिंग चालू है. और ये मॉर्निंग कार्डियो है फिलहाल, तो अभी चालू ही क्या है. 35 मिनट्स या 40 मिनट्स करेंगे ऐसे. और आज बहुत सारे काम है, और आज बैक और ट्राइसेप्स का वर्कआउट भी है साथ में, तो और पूरा दिन ऑफिस एंड ऑल. तो आज का व्लॉग जो होगा वो आपको बताऊंगा कि अपने डाइट को, और जब आप कटिंग पे होते हो तो कैसे मैनेज करो कि ऑफिस गोइंग आवर्स में भी आप डाइटिंग कर सको और कुछ भी जंक ना खाओ. तो चलो चलते हैं कार्डियो करने के बाद घर फटाफट, क्योंकि मुझे अभी बज रहे 10, 11:30 बजे तक ऑफिस भी पहुँचना है. 11:30 बजे ऑफिस निकलना है, मतलब तो मील बनानी है पूरे दिन की. तो फटाफट चलते हैं. तो भाई कार्डियो करके तो मैं फटाफट निकल गया था, अब मेरे को ऑफिस जाना है. तो मैं एक्सट्रीम लेट हूँ, मैं व्लॉग को कंटिन्यू करना भूल गया. बट ये रहे मेरे 28 एग वाइट्स, और ये मैं कुत्तों के लिए बना रहा हूँ. एज यूजुअली सारे 20 येल्लोज हैं, तो ये बना के कुत्तों को डाल देता हूँ. और अभी फटाफट बन रही है अपनी एग भुर्जी, और इसमें डलेगी ये सोया चलेगी. फटाफट इसको बनाते हैं और इसको पैक कर लेते हैं मील के लिए. आधा आधा डिवाइड कर लूँगा, आधा दोपहर के लिए और आधा फिर रात में. और उसके बाद जो पहली मील होगी वो होगी हमारी ओट्स मील, तो जो मैं खा के जाऊँगा यहाँ से, और थोड़ी सी बचा लूँगा उसे भी पैक कर लूँगा ताकि पूरे दिन का काम हो जाए. तो फटाफट करते हैं और रेडी करते हैं, फटाफट बनाते हैं इसे. फाइनली आई एम रेडी फॉर द ऑफिस, और ये रही मेरी ओट्स मील. इसे खाते हैं और फटाफट चलते हैं. एज यूजुअल मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, तो वो मेरा सारा मील पैक हो गया है वहाँ पे, और इसे लेके फटाफट चलते. तो ऐसे देख, मतलब बहुत स्पीड में आपको अपनी डाइट्स को मैनेज करना पड़ता है. तो ये हो गया अपनी पूरे दिन की मील्स, और ये पानी, वाटर इनटेक मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और फटाफट चलो, एक्सट्रीम लेट भाई, एक्सट्रीम. हाँ जी, तो गाइस पूरा ऑफिस का काम कर रहे थे, पहुंच भी गया था 2 घंटे यार, इतना ट्रैफिक सर दर्द और लेट वैसे हो गया था. तो अभी जस्ट जाऊंगा यार ऊपर, एक मील लेनी है जो मैं अपने साथ ले गया था, एग्स राइस एंड सोयाबीन वाली, जो सोया चंक्स वाली जो मील है उसे लूंगा, फिर उसे खा के ऑफिस से घर के लिए निकल जाऊंगा. और जो थोड़े से ओट्स रखे थे ना उन्हें खा के तुरंत फिर मैं जिम चला जाऊंगा. मतलब ये देख रहे हो आप शेड्यूल कैसे पैक टू पैक है. मतलब अभी जस्ट मैं सुबह जो मैंने ओट्स खाए थे उसके बाद फिर मैं अब ये सोया चंक्स, मतलब ये एग राइस वाली मील खाऊंगा, और उसके बाद फिर मैं आपका ये खा के क्या कहते हैं ओट्स खा के जिम चला जाऊंगा. आके फिर मैं एक प्रोटीन शेक पी के देन अपना वो पी लूँगा, क्या कहते हैं, एग्स राइस एंड फिर से सोयाबीन वाली मील. और इसमें हर बार थोड़ा सा कर्ड ऐड करता हूँ, तो मतलब हाँ कैलोरीज कम है और लोड ज़्यादा है, बट यही है आपकी मोटिवेशन. आपको यहीं पे अपने आप को फोकस रखना है कि हाँ कि भाई तुम्हें कुछ करना है तो थोड़ा सा तो करना पड़ेगा भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी. तो ये रहा अपना राइस एंड एग्स, और इसके साथ हम कर्ड लेंगे 200 ग्राम कर्ड, और ये रहा सोया चंक्स राइस. सो गाइज, ये एग्स एंड राइस वाली मील लेने के बाद मैं घर चला गया, और घर पहुँचते मुझे 9 बज गए. तो अभी 9 बजे मैं एक छोटी सी मील लूँगा, वो आपको दिखाता हूँ, और आप देखो वो मील. ऐसे धीरे धीरे मैनेज करता हूँ, मतलब अभी इसमें ना मील दिखा रहा हूँ आपको ऐसे पार्ट पार्ट करके, कि जैसे मैंने सुबह कार्डियो के बाद क्या मील ली, उसके बाद मैंने पैक क्या मील करी, और पैक करने के बाद जैसे मैं ऑफिस पहुँचा, मतलब मेरे को ऑफिस पहुँचने में भी 2-3 घंटे लग जाते, तो 3 घंटे के अंदर तो कटिंग के टाइम पर एक मील चाहिए ही होती है, क्योंकि छोटी छोटी मील्स होती है तो भूख लगती है. तो हर 3-4 घंटे में आप एक मील डाल लो तो आपके लिए बेटर रहेगा. तो फिर मैंने तुरंत ही एग्स एंड राइस वाली मील ली. अब एग्स एंड राइस वाली मील के बाद फिर मैं शाम को जब घर 2 घंटे बाद पहुंचा, तो मैंने जिम जाना था मेरे को, क्योंकि मैं 9:30 बजे घर पहुंचा हूं और मेरे को जिम जाना है. तो मैंने एक छोटी सी मील कंज्यूम करी, वो थी ओट्स प्लस एक बनाना.
और वो देखो अब आप। सो गाइज, वो वाली मील देखी थी आपने जो मैंने खाई, और उसमें था ओट्स और एक बनाना। उसके बाद मेरे को और भूख लग रही थी क्योंकि यार मैं सुबह से बाहर निकला हुआ, और अभी पता है उस टाइम रात के 9 बज रहे थे, मतलब हालत ही खराब हो गई। तो मैंने एक बाजरे की रोटी खाई, वीट की नहीं बाजरे की, मतलब गेहूं की नहीं बाजरे की रोटी। वो उसमें वो काफी बेनिफिट और भी काफी हेल्थ बेनिफिट सकती है और सही रहती है, वीट से काफी अच्छी होती है, तो वो खाई मैंने। और अब रात के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 10, जिम जा रहा हूँ, मतलब वर्कआउट स्टार्ट करते करते 10-10-15 ही हो जाएंगे। तो मैं कब वर्कआउट स्टार्ट करूँगा, और मतलब 12-12:30 एक भी बज जाएगा वर्कआउट करते करते, आऊँगा फिर मील लूँगा। तो टाइम मैनेज करना पड़ता है यार। मैं सुबह सोचो मैं 11 बजे से निकला हुआ हूँ, मैं 9 बजे जिम चला गया था, मैंने मील्स प्रिपेयर करी, मैं 11 बजे ऑफिस से निकल गया, मैं रात के 8:30-9 बजे घर घुसा, और फिर मैंने एक मील ली और मील लेके अब मैं 10 बजे जिम जा रहा हूँ। मतलब मैं चाहता था छोड़ देता जिम कि भाई कोई ज़रूरत नहीं, आज जिम नहीं जाया जाएगा, छोड़ूंगा भाड़ में जाए जिम, बट जा रहा हूँ क्योंकि भाई ये मेरे को पता है कि मेरी बॉडी को क्या नीड है, मुझे मेरे गोल्स क्या हैं, मैं अपने गोल्स को लेके क्लियर हूँ। और मैं ये नहीं होता कि मैं संडे से जाऊँगा या मैं मंडे से जाऊँगा या मैं 1 तारीख से जाऊँगा। तो अपनी लाइफ में ना आपको गोल्स प्रायोरिटाइज करने पड़ेंगे, उनको प्रायोरिटाइज करना सीखो, चाहे कितने भी थके हो कितने भी कुछ हो, बट अगर तुम्हारे दिमाग में एक तुम्हारा गोल सेट है ना तो तुम करोगे उसे। मैन चो एनी टाइम अच्छा तो है पर साला हर टाइम भरा ही रहता है। अभी रात के 10 बज रहे हैं, अभी भी खाली नहीं हुआ है। सोचा था खाली जिम में वर्कआउट करूंगा बट कोई नहीं, अब भरे जिम में वर्कआउट करता हूँ। फटाफट वार्म अप करते हैं, आज करेंगे बैक, बढ़िया से बैक की एक्सरसाइज करेंगे, बैक एंड ट्राइसेप्स। सो स्टार्टिंग विद दिस बेसिक लैट पुल डाउन मशीन, बैक का मेन वर्कआउट मैं हमेशा अपनी इस लैट पुल डाउन वाली मशीन के साथ करता हूँ। तो इसके साथ वर्कआउट को शुरू करते हैं, और हैवी टू लो जाऊंगा, नॉट मोर रेप्स, लाइक मैक्सिमम रेप रेंज जो होगी वो 8-10 या 11, मतलब मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूंगा अपने सेट को। घोड़ी घोड़ी तो यही दी है बाबल रोइंग, बट लॉट मोर सेफर वर्जन। बेंच को ऊपर टिका रखा है, बेंच काफ़ी स्टेबल है, और Contraction, focus. Time flies, you're back.
सो गाइस ये हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है। ये इस बंदे का वार्म अप सेट है भाई, ये वार्म अप है। फॉर्म पे मत जाना, कनेक्ट कर रहा है वो। ये भाई इससे तगड़ा ये है। वर्कआउट हो चुका है पूरा और लास्ट में मैंने लोअर बैक के लिए रैक पुल करी थी, तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी एज सच, क्योंकि रैक पुल आप सभी को पता क्या होती है। एंड ट्राइसेप्स की भी मैंने पूरी रिकॉर्ड नहीं करी, क्योंकि ट्राइसेप्स को कभी किसी और दिन किसी और कंटेंट में दिखाएंगे। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ अपनी तुरंत जो मील होती है, इसे भी मैं मील के अंदर ही काउंट करता हूँ। दिस इज़ वही प्रोटीन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बॉडी को ब्रेक डाउन किया है,
बॉडी में कुछ डालना ज़रूरी है, घर जाने में 15-20 मिनट लगेंगे, तो तुरंत बॉडी को इतना बर्न करने के बाद मैं वे प्रोटीन डालता हूँ ताकि भूख भी थोड़ी सी कम हो जाए और प्रोटीन इनटेक भी पूरा हो जाए और जो भी बॉडी में कमी हो रही थी वो इसे थोड़ी थोड़ी पूरी हो जाए। तो इसे पीते हैं और फिर चलते हैं घर की ओर और घर पे लास्ट मील लेके सो जाएंगे। सो गाइज, मैं लास्ट मील को रिकॉर्ड करना भूल गया था क्योंकि इतना थका हुआ था भाई, रात के लगभग 1 बज गए थे और मैं रिकॉर्ड का मेरे हालत नहीं थी रिकॉर्ड करने की। मैं बेड पे गिरा और भाई मैंने मील खाई, एग्स एंड राइस, वही सेम मील थी जो मैंने आपको दोपहर मतलब ऑफिस पहुँचते दिखाई थी। एग्स, राइस एंड थोड़ा सा कर्ड, ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन मैंने खाया। साथ में सोया चंक्स भी थी, वो उसी पुलाव टाइप्स होता है वो, तो मैं उसको पुलाव जैसा बना लेता हूँ पूरा दिन का एक बारी में और उसे सेपरेट डिवाइड कर करके खाता हूँ। यानी कि पुलाव में क्या क्या होता है, अनियंस, टमेटोज और मसाला डाल के पहले उसे बढ़िया से बना लिया, उसकी ग्रेवी बना ली, फिर उसमें मैंने डाले एग्स और एग्स के ऊपर से डाल दी मैंने सोया चंक्स, ठीक है। फिर वो जैसे थोड़ा टाइट होने लगता है ना, भुर्जी बनने लगती है, उसी में मैंने फिर अपने राइस को मेज़र किया, 3 जितना भी मैं कार्ब्स के हिसाब से राइस खा रहा हूँ राइस को मैंने डाल दिया उसी भुर्जी में, तो वो टोटली फिर वो बिरयानी टाइप्स मतलब होता है ना कि एग बिरयानी मान लो उसे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें डली हुई हैं बट कैलकुलेटेड एंड हेल्दी, नो एक्स्ट्रा फैट्स, नथिंग ऑयली। बहुत 1 टेबल स्पून मैं ज़रा सा घी यूज़ करता हूँ पूरे को बनाने के लिए, जबकि वो पूरे दिन का खाना है, ऑलमोस्ट सारी बड़ी मील्स उसके अंडर कवर होती हैं, तो इतना सही यूज़ करते हैं और पूरा वो हेल्दी रहता है और वही मेरी मेन डाइट है जिसे मैं कंटिन्यू करता हूँ पूरे टाइम और वही मेरा मेन प्रोटीन का सोर्स भी है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और व्लॉग की फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हो थोड़ा सा अच्छे से आ रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। बी फिट विद प्रांजल।